यह है सैमसंग गैलेक्सी M01। इसके बॉक्स में आपको मोबाइल फ़ोन, चार्जिंग अडाप्टर, केबल, एक सिम इजेक्शन पिन और एक मैनुअल मिलेगा। कोई हेडफोन्स नहीं मिलेंगे। मेरा वर्जन 3GB रैम और 32GB रोम वाला है और ये ब्लैक कलर का है। बॉक्स के पीछे कुछ सिग्निफिकेंट नहीं लिखा है और मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। इसके अंदर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगी। एक रीजनल लॉक गाइड मिलेगी कि आपको इसे केवल इंडियन सिम से एक्टिवेट करना है और एक वारंटी कार्ड मिलेगा। ये केवल एक इंक्लोजर है। ये हमारी सिम इंजेक्शन पिन, चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल माइक्रो यूएसबी है, ना कि USB-C। और दूसरी तरफ एक USB-A पोर्ट, हमारा टिपिकल सैमसंग का चार्जिंग अडाप्टर। ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी M01। इसकी प्लास्टिक फिनिश है और इसमें पीछे दो कैमरा दिए हैं। नीचे एक स्पीकर ग्रिल है, एक माइक्रो USB पोर्ट और एक माइक्रोफोन। इसकी बिल्ड प्लास्टिक है बट ये मुझे बिल्कुल भी चीप नहीं फील होता। इसके टॉप पे एक 3.5mm हेडफोन जैक है बट वो फ्लश नहीं है, वो एक कर्व बॉडी में है। तो हो सकता है उसमें सारे के सारे 3.5mm अडाप्टर्स फिट ना हों। इसके अलावा साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा और राइट साइड में सिम इंजेक्शन और पावर बटन। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन ही ऑक्यूपाइड है। बॉटम में थोड़ा सा चेन और टॉप पे एक कटआउट कैमरा है। इसकी बॉडी क्योंकि राउंडेड है तो पकड़ने में अच्छा फील देता है, हैंडी है। और इसकी सारी स्क्रीन के सारे कॉर्नर्स आराम से आप रीच कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं सैमसंग हेल्थ तो ऑलरेडी पड़ा ही है, बाकी सारे सैमसंग के जो फीचर्स हैं वो भी हैं, जैसे एक नियर बाय शेयर फीचर। ये नया फीचर आया है एंड्रॉयड 10 के साथ, तो ये आपको मिलेगा। इसमें हम चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा हमारे पास डॉल्बी एटमॉस है, ब्लू लाइट फिल्टर है। इसमें ब्लू लाइट फिल्टर की स्ट्रेंथ को एडजस्ट नहीं किया जा सकता बट स्टिल हमारे पास फोकस मोड है, डार्क मोड है, हमारे पास बाकी सारे वही मोड्स हैं जो हमें आमतौर पे सैमसंग फोन्स में मिलते हैं, जैसे पावर मोड, मीडियम या मैक्सिमम पावर सेविंग। हमारे पास डिवाइस केयर है, डिवाइस केयर में आप देख सकते हैं हमारी कितनी रैम यूज़ हो रही है, हमारा कितना स्टोरेज यूज़ हो रहा है। हमारे पास अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड भी है। हमारे पास एक सिक्योरिटी ऑप्शन भी है जो कि मैकैफे के द्वारा प्रोवाइडेड है। यहाँ से आप अपनी मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेमोरी मैनेजमेंट एंड्रॉयड ओएस पर ही छोड़ दें और ख़ुद से कोई ऐप क्लोज ना करें। इस ऑप्शन में जाके आप एडवांस में जाएंगे तो आपको SD कार्ड का यूजेज मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका कितना यूज़ हो रहा है और आप न केवल डुप्लीकेट इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं बल्कि कंटेंट को SD कार्ड में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आपकी ऐप्स हो गई या फोटोज़ हो गई या कोई भी चीज़ हुई तो उसको आप SD कार्ड में ट्रांसफ़र करके अपने इंटरनल स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं। अल्ट्रा डेटा सेविंग एक सेपरेट ऐप की तरह से आता है जो कि गैलेक्सी स्टोर पर अवेलेबल है पर मैंने उसे डाउनलोड नहीं किया। डेटा सेवर मोड एक बिल्ट इन भी है इसमें, तो अल्ट्रा डेटा सेविंग सेपरेट ऐप है जबकि डेटा सेवर बिल्ट इन है। हमारे पास One UI 4.0 है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है। सिक्योरिटी लेवल पैच अभी 1st of November 2020 चल रहा है, ये फ़ोन रेगुलरली अपडेट होता है। इसमें एंड्रॉयड 11 भी आएगा। इसमें 4000 mAh बैटरी मिलती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 CPU है, ऑक्टा कोर। 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 हाई एफिशिएंसी कोर्स हैं। एड्रीनो 505 GPU है। इसमें 5.7 इंचेस की 720p स्क्रीन है और 3 GB ऑफ रैम है। 24 GB यूजेबल स्टोरेज स्पेस मिलता है।
ये हमारे डिफरेंट सेंसर्स हैं जो फ़ोन में हैं, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ इसमें लाइट सेंसर है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, रीडिंग्स चेंज हो रही थी जब मैंने अपना हाथ रखा। इसके अलावा मैं लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो लॉक स्क्रीन में भी आप अपना होम ग्रिड चेंज कर सकते हैं, चाहे तो सारी ऐप्स को अपने होम स्क्रीन पर रख सकते हैं। डिफरेंट ऐप बटन भी है इसमें, तो एक बटन आ जाएगा जिससे आपको स्वाइप अप ना करने की जगह सीधे बटन से भी सारी ऐप्स मिल सकती हैं। स्वाइप डाउन करके आप नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं। कुछ और बहुत ही सैमसंग स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने इसमें मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, मैंने इसको एक स्प्लिट व्यू में खोल लिया, यूट्यूब को पॉपअप व्यू में खोल लिया, अगर मैं चाहूँ तो सेटिंग को भी पॉपअप व्यू में खोल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इन दोनों को साथ में चला सकता हूँ और यूट्यूब अलग से एक पॉपअप विंडो में रहेगा। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग के साथ इस फ़ोन में करी जा सकती है। इस फोन में जो तीन बुरी चीज़ें लगी मुझे वो ये है कि इसमें जो डुअल कैमरा सिस्टम है उसमें से मैक्रो लेंस बेसिकली एक गिमिक है, इसमें कोई फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। फिंगरप्रिंट रीडर ना होने की वजह से आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिमिटेड है। इसमें पीछे स्पीकर दिया है, तो अगर आपका फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आवाज़ ब्लॉक होती है। और इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस इतनी ब्राइट नहीं है कि आप एकदम बाहर जाएं और सनलाइट में इसको एक बार में देख पाएं। बाकी इसके फीचर्स जैसे कि जेस्चर्स हो गए, वो सब हर सैमसंग फ़ोन या हर एंड्रॉयड फ़ोन की तरह कॉमन है, तो आप इसको बटन्स की तरह रख सकते हैं या जेस्चर्स की तरह रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। एक डिस्कवर टैब भी है बट यहाँ पे मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो ये पॉइंट भी मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस डिस्कवर टैब को ऑफ किया जा सकता है होम सेटिंग्स में जाके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कई लोगों के लिए होता है कि ये USB ऑन द गो सपोर्ट करता है कि नहीं, और ये फ़ोन 100% USB ऑन द गो सपोर्ट करता है। आपके पास बस एक USB OTG केबल होना चाहिए और एक कंपैटिबल पेन ड्राइव। और अब बात करते हैं इस फ़ोन में एक जो ऐसा फीचर है जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है डबल टैप टू वेक। तो ये सैमसंग के कई हाई एंड फोन्स पर भी नहीं मिला मुझे, बट इस फ़ोन में आप डबल टैप टू वेक कर सकते हैं। तो अगर आपका फ़ोन टेबल पे ऐसे पड़ा हुआ है तो आपको पावर की दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डबल टैप करेंगे और वो ऑन हो जाएगा। इसमें केवल वाईफाई 2.4 GHz का ही सपोर्ट है, ये 5 GHz वाईफाई नेटवर्क्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसके दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मुझे अच्छे लगे उनमें से एक है कि अगर आप पावर बटन को डबल प्रेस करेंगे तो आप एक्चुअली कोई भी ऐप खोल सकते हैं। तो क्विक लॉन्च कैमरा है लेकिन आप एक्चुअली इसमें कोई भी ऐप भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको म्यूज़िक तुरंत सुननी है तो आपने डबल प्रेस किया पावर बटन को और म्यूज़िक की ऐप खुल जाएगी। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो मुझे ये अच्छी लगी कि इसमें डुअल मैसेंजर है, यानी अगर आपके पास दो सिम्स हैं, दो नंबर हैं, तो आप व्हाट्सएप या ऐसी ऐप्स जो एक फ़ोन नंबर पे चलती हैं उनको दो इंस्टेंस पे चला सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो व्हाट्सएप होंगे, हर दो नंबर के व्हाट्सएप अलग अलग। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये दूसरे फ़ोन्स में भी है और ये इस बजट फ़ोन में है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो बात मुझे अच्छी लगी वो है डिजिटल वेलबींग।
ये आजकल हर बढ़िया फ़ोन में आ रहा है। इस फ़ोन में भी, बजट फ़ोन्स में भी ये ऑप्शन दे दिया है। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप टाइमर्स वगैरह लगा सकते हैं कि आपको इतनी आप ये आप इसी टाइम तक यूज़ करनी है, इतने टाइम तक सो जाना है। इसमें पेरेंटल कंट्रोल्स भी हैं कि आप कौन सी ऐप अपने बच्चों को चलाने के लिए दे सकते हैं, या उसको लिमिट भी कर सकते हैं कि वो कितने टाइम तक फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इस बजट फ़ोन में। जहाँ तक गेमिंग की बात करी जाए तो मैं देख सकता हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में हमारे पास लो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने फ्रेम रेट हाई कर दिया लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गेम्स इसमें लो सेटिंग पर ही चलेंगे, कोई हाई सेटिंग पर आप गेम नहीं चला पाएंगे। अगर आप सपोज़ जी टी एस एन एंड्रियास भी खेलना चाह रहे हैं तो वो भी लो सेटिंग के अलावा मैं इसको किसी और हाई सेटिंग पर नहीं ले जाऊंगा। ये इतना पावरफुल फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम गेम्स इस पे चल जाते हैं और प्लेएबल तो है ही, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपने सैमसंग के दूसरे फ़ोन्स के कैमरा यूज़ किए हैं तो इसका इंटरफेस काफ़ी सिमिलर है, बिल्कुल वीडियो फोटो के इंटरफेस बिल्कुल सिमिलर है हर सैमसंग फ़ोन में। इसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरास 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। HDR इसमें फ़ोटोज़ में ही एप्लीकेबल है। तो ये है मेरा कैमरा टेस्ट। इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो मैं इससे देख सकता हूँ। इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे थोड़ी ग्रेनी लग रही है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग उतनी सफिशिएंट नहीं है। ये मेरी वीडियो है मेन कैमरा से, होपफुली ये बेटर है। बस 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 बस। तो ज़्यादातर कैमरास की तरह ये भी अच्छी लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है और बुरी लाइट में या फिर इंडोर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। बाकी मैक्रो लेंस और मेन लेंस की बात करी जाए, इसके पीछे जो दो कैमरास दिए हैं, 13 MP का मेन कैमरा है, फ्रंट कैमरा 5 MP का है। मैक्रो और मेन लेंस में इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं दिखा, मैक्रो लेंस मोस्टली मुझे गिमिक ही लगा। बाकी इमेजेस देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।